उज्जैन शहर में पाटीदार अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड अशोक चौहान उम्र 52 वर्ष की करीब 3 वर्ष पहले शाम के समय विवेकानंद कॉलोनी मार्ग पर स्कूटी से आए युवकों ने चाकू घोंप कर हत्या कर दी थी। इस मामले में न्यायालय ने 3 आरोपियों को आजन्म कारावास की सजा सुनाई है, जबकि एक अन्य आरोपी को न्यायालय ने बरी कर दिया। घटना कोरोना काल के समय लगे लॉकडाउन की है। शहर में पाटीदार अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड अशोक चौहान 52 की विवेकानंद कॉलोनी मार्ग पर स्कूटी से आए युवकों ने चाकू घोंप कर हत्या कर दी थी। सिक्योरिटी गार्ड शाम को शास्त्री नगर स्थित घर से पैदल ड्यूटी के लिए निकला था। अभियोजन के अनुसार इस दौरान रेकी कर बदमाशों ने वारदात की। अभियोजन के अनुसार हमलावर का मृतक की बहन के घर पर आना जाना था। सिक्योरिटी गार्ड अशोक द्वारा इसी को लेकर आपत्ति लिए जाने पर उसकी हत्या की बात सामने आई थी। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों पर प्रकरण कायम कर उन्हें गिरफ्तार कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया था। माननीय न्यायालय ने 3 आरोपी शेरू गोविंद तथा राजकुमार को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि एक अन्य आरोपी हेमंत उर्फ हेमू को न्यायालय ने बरी कर दिया। बरी किए गए आरोपी हेमंत उर्फ हेमू की ओर से पैरवी अभिभाषक रूपम उपाध्याय ने की है। तब अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमान शशिकांत वर्मा साहब के न्यायालय से जघन्य हत्याकांड पुलिस नीलगंगा विरुद्ध शेरू आदि में निर्णय पारित किया गया, जिसमें आरोपी शेरू गोविंद तथा राजकुमारी को आजीवन कारावास से दंडित किया गया है तथा आरोपी हेमंत उर्फ हेमू को बरी किया गया है। प्रकरण में आरोपी हेमंत उर्फ हेमू की तरफ से पैरवी मेरे द्वारा की गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 5 अक्टूबर को महाकाल लोक के फेस 2 के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। जानकारी देते हुए उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि मुख्यमंत्री का अनुमानित दौरा कार्यक्रम 5 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाकाल लोक के फेस 2 के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम को लेकर 5 अक्टूबर अनुमानित रूप से तिथि निर्धारित की गई है। कार्यक्रम के दौरान मंदिर के कई स्थानों का होगा नामकरण किया जाएगा, साथ ही सांस्कृतिक आयोजन आतिशबाजी व लेजर शो का भी भव्य आयोजन होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम में उज्जैन के स्थानीय कलाकार अपनी कला की प्रस्तुति देंगे और यह कार्यक्रम महाकाल मार्ग पर जगह जगह किया जाएगा। कार्यक्रम लगभग 2.5 घंटे का रहेगा। आपको बता दें कि महाकाल लोक फेस 2 के अंतर्गत महाकाल मंदिर की भोजनशाला तैयार हो रही है, जो प्रतिदिन 1,00,000 श्रद्धालुओं को भोजन कराएगी। इसके साथ ही फेस 2 के अंतर्गत होने वाले निर्माण कार्य का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। 5 अक्टूबर की तिथि तय हुई है, ये लोकार्पण शाम को होगा। और महाकाल फेस 2 का जो काम है वो थोड़ा अलग प्रकृति का है। इस काम को हम लोग 5 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। पहला जो मेन एंट्री है, जो इसको हम बेगम बाग रोड पहले कहते थे, उसको नीलकंठ मार्ग के नाम से महाकाल परिसर में है, तो एक उसका लोकार्पण होगा, जिसके साथ आपके हॉकर्स जोन भी है और 500 गाड़ियों की पार्किंग भी है। ये पहला एक पार्ट हो गया। इसके बाद दूसरे पार्ट में अन्य क्षेत्र का उद्घाटन है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे पूरे देश का सबसे आधुनिकतम अन्य क्षेत्र है, जहाँ पे अभी वर्तमान में 50 से 60 हज़ार मील पर डे हम भोजन करा सकते हैं, जिसको आगे जाके 1,00,000 तक ले जाना है। ये दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट जो अक्रॉस रुद्र सागर है, जिसको हम R22 कहते हैं, वो पूरी रोड को नए तरीके से बना के सजावट की गई है, वो R22 है, वो भी महाकाल फेज 2 का पार्ट है। चौथा हमारा एक अनुभूति वन है, जो जिसमें जो महाराजवाड़ा के साथ साथ वो पब्लिक फैसिलिटी क्रिएट की गई वहाँ पे, जहाँ पे कम से कम दर्शन करने के बाद 2-3 हज़ार लोग आराम से बैठ के शिखर दर्शन भी कर सकते हैं और रिलैक्स भी कर सकते हैं। उसके बाद छोटे रुद्र सागर के पास एक तपोवन है, जहाँ पे कुछ कॉटेजेस बने हैं, लोग ध्यानमग्न हो सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं। उसके बाद जो पांचवा है वो मंदिर परिसर का शिखर दर्शन है, और ये मंदिर परिसर के बीच का काम है, जिसमें टनल का भी काम है, कोटी तीर्थ का भी काम है, और जो लोगों की जो पब्लिक गैदरिंग होगी वो शिखर दर्शन पे ही होगी, और वहीं पे कार्यक्रम का एक विधिवत
लोकार्पण होगा, बाकी जगह पे भी माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे और अलग अलग लोकार्पण करेंगे। मुख्य प्रोग्राम शिखर दर्शन पे होगा और हमने एक फायरवर्क्स जो आतिशबाजी का कार्यक्रम भी रखा है, जैसा कि हम लोगों ने महाशिवरात्रि पर शिव ज्योति अर्पण कार्यक्रम में किया था। तो ये 2 से 2.5 घंटे का प्रोग्राम है और ये पूरी तरीके से शहर के लोगों का प्रोग्राम है। अलग से भी हम लोग अपील जारी कर रहे हैं कि उज्जैन जो अवंतिका नगरी के नाम से जानी जाती थी, उसके सभी नगरवासी आमंत्रित हैं। महाकाल फेज 2 अपने भव्य रूप में सामने आ रहा है, उज्जैन का गौरव और गरिमा में और वृद्धि होगी और निश्चित तौर पे आज की तारीख में भी पूरे विश्व में उज्जैन की पहचान है। इस पहचान को और वृद्धि मिलेगी, नागरिक सुविधाओं में वृद्धि होगी, श्रद्धालुओं की सुविधाओं में वृद्धि होगी। चिमनगंज थाना क्षेत्र की तिरुपति एवेन्यू कॉलोनी में गुरुवार रात बदमाशों ने जमकर गदर मचाया। यहां रहवासियों के 3-4 पहिया वाहन में तोड़फोड़ की। फरियादी ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। कॉलोनी में रहने वाले विजय निगम ने बताया कि उनकी स्विफ्ट डिजायर कार सहित कॉलोनी के ही करण सिंह की ईआन और ओंकार मल सेनी की ब्रेजा कार में बदमाशों ने तोड़फोड़ की है। गणेश चतुर्थी के समय आपसी विवाद के बाद घटना होना बताया जा रहा है। मामले में पुलिस ने क्षेत्र के ही कुछ युवकों को हिरासत में लिया है। फरियादी ने कहा कि पूरे क्षेत्र में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। तो ये सब बता रहा था कि उनको कोई आपसी झगड़ा हुआ था, उस आपसी झगड़े में उन लोगों ने गुस्से में 3-4 गाड़ियों के कांच फोड़ दिया जाता है। एक तो मेरी स्वयं की गाड़ी है, एक सैनी जी की गाड़ी है, एक करण सिंह जी की गाड़ी है। यहाँ पे असामाजिक तत्व का इस मतलब कॉलोनी में बहुत ज़्यादा है, जमावड़ा है। पुलिस प्रशासन को इसमें ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे गश्त बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों में, कॉलोनी में बहुत भय का वातावरण है यहाँ पे। उज्जैन की केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में बुद्ध प्रतिमा हटाने का मामला गर्मा गया। आरोप लग रहे थे कि नए जेल अधीक्षक मनोज साहू ने जेल परिसर से भगवान बुद्ध की प्रतिमा हटा दी। इसी प्रकार का कृत्य पूर्व जेल अधीक्षक उषा राजे ने भी किया था। हालांकि मामले में खुद जेल अधीक्षक मनोज साहू ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पहले भगवान बुद्ध की प्रतिमा खुले में धूप में रखी हुई थी जो कि खराब हो रही थी, जिसके ऊपर गंदगी लग रही थी। उन्होंने बुद्ध प्रतिमा खुले स्थान से हटाकर मंदिर में रखवा दी। अब जेल परिसर के माता चौक में विधि विधान के साथ प्रतिमा स्थापित की गई। जेल की व्यवस्थाओं में लगातार सुधार हो रहा है। जेल में अब 40 बेड के 2 अस्पताल बन गए हैं। स्वच्छ पानी को लेकर आरओ प्लांट लगा दिया गया। पहले की अपेक्षा अब काफी सुविधाएं बढ़ाई जा चुकी है। सबसे पहले हमने आते ही प्रण लिया था कि इन व्यवस्थाओं को व्यवस्थाओं में प्रबंध करना है, तो हमारे पास काफ़ी चीज़ें बंद पड़ी थी, जैसे लैब बनाना, हॉस्पिटल से बंदियों का उपचार प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा था। बंदियों को यहाँ TDS 1000 TDS है, 1000 TDS पर इतना खारा पानी पी रहे थे, इससे हमारे यहाँ किडनी में जो पथरी वगैरह की प्रॉब्लम आती थी। सबसे पहले फिर डी साहब से बात करके आरओ प्लांट भी लगवाया हम लोग। लगभग 2.5 लाख का आरओ प्लांट है, 500 लीटर का। तो ये सब व्यवस्थाओं में हमने काफ़ी सुधार किया है। जैसे भगवान बुद्ध की मूर्ति भी अष्टकोण में थी, धूप में और पानी में काफ़ी बहुत उनको बुरा लगता था हमें, कि उनको देखते थे कि धूप में है और पशु पक्षी उन पर बैठे हैं, लैट्रिन कर रहे हैं, बंदर भी आके उनको छिड़बू करते थे। तो वो उनको हमने माता चौक में प्रॉपर भगवान, जहाँ अन्य भगवान सर्वधर्म के भगवान है, उनको वहाँ जाके टूटा पूजा पाठ और सब विधि विधान से उनको स्थापित किया उन पर। हॉस्पिटल हमारे यहाँ एक नया कोरोना वार्ड बना हुआ है, कोरोना वार्ड बनवाया हमने, एक नया हॉस्पिटल बन गया, नया लैब बन गई है। संपूर्ण व्यवस्थाएं धीरे धीरे, अभी 5 महीने हुई है, लेकिन व्यवस्थाओं में सुधार लगातार हम लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ कलेक्टर महोदय से हमने सेल काउंटर की डिमांड की है, उन्होंने हाँ भी कर दिए, तो हमारे यहाँ लगभग CVC वगैरह सभी जाँचें हो जाएंगी। अभी लिपिड प्रोफाइल की जो भी जाँचें होती हैं वो सब हो जाती हैं लैब में, और सेल काउंटर मिलते ही संपूर्ण जाँच यहाँ हो जाएगी। और हमारे यहाँ लगभग 40 बिस्तर का 2 अस्पताल हो गए हैं, 2 अस्पताल बन चुके हैं। ट्रेन में यात्रा के दौरान युवक के साथ दर्दनाक घटना हुई, जिसमें घायल का इंदौर के निजी अस्पताल में उपचार जारी है। जिले की खाचरो तहसील के रेलवे स्टेशन पर एक युवक ट्रेन में यात्रा करने के लिए जा रहा था। अचानक ट्रेन चल दी और युवक का पैर फिसल गया और सीधे पटरी के बीच जा फंसा। इस घटना में युवक का पैर पूरी तरह कट चुका है। गंभीर घायल युवक का इंदौर के निजी अस्पताल में उपचार जारी है।
खाशरोद थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि शुभम माहेश्वरी रोजाना की तरह रेल में यात्रा करने के लिए खाशरोद रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। अचानक उसका पैर फिसल गया, जिसकी वजह से उसका पैर पूरी तरह कट चुका है। बड़ी मशक्कत के बाद युवक को खाशरोद से इंदौर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। दर्दनाक हादसे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उज्जैन के ग्राम निनोरा में दो पक्षों में देर रात विवाद हो गया। घटना में करीब दोनों पक्षों से चार लोग घायल हुए हैं। नानाखेड़ा थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। एक पक्ष दूसरे पक्ष पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगा रहा है, तो वहीं दूसरा पक्ष बिना कारण मारपीट करना बता रहे हैं। उज्जैन के थाना नानाखेड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम निनोरा में दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। गांव के जोगी परिवार के शेर योगी ने थानाखेड़ा थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। यहां पर उन्होंने नयापुरा में रहने वाले गोविंद राजा के साथ उसके भाइयों ने हमला कर दिया। वहीं नयापुरा में रहने वाले राजेंद्र राजपूत ने बताया कि गोपाल से 50,000 रुपए लेना थे, उसी से चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान पीछे से एक व्यक्ति आया और उसने सर में लठ मार दिया। इसके बाद शेर योगी आया और मारपीट शुरू कर दी। घटना के बाद हम सभी घर आ गए। घर पर शेरू योगी 20 से 25 लोगों के साथ आया और परिवार के साथ मारपीट करने लगा। घायल ने गांव के सरपंच पति पर भी मारपीट के आरोप लगाए हैं। दोनों पक्षों के घायलों को उज्जैन के जिला अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है। नानाखेड़ा थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मारपीट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। यही भैया को मारने के लिए हम गए छुड़वाने के लिए, तो हमारे को मारा। घर में आए फिर लेडीज वेडीज सबको हम समझाने की बहुत कोशिश करी, किसी ने नहीं सुनी। और उनने और दोस्त यारों को बुला के ने फिर घर में हाथापाई करी। मैं शिवराज सिंह मामा जी से एक ही गुहार लगाना चाहता हूँ कि आतंकवाद को ख़त्म करने का जो बोल रहे ना, तो इसके लिए कुछ ना कुछ कर। गोपाल नाम गाड़ी चलता हमारी मजदूरी के, तो हमसे पैसा मांगते थे 50,000 रुपये। उससे बात करने के लिए गए थे, एक में दूसरा आया तो हम उसने आके लट लेके हमको गाली गुप्ते करने लग गया। हम उसको बोलने गए भाई गाली क्यों कर रहा, इतने में दूसरा आया शेरू योगी करके, तो उसने मारने लग गया हमको। वो मारते ही सही जैसे हमने उसको समझाया, रोड पे हाथापाई हुई। उसके बाद में हम घर आ गए। वो घर आने के बाद में वो 5-25-50 मनक को लेके आए और घर में हम मेरे को मारा, मेरे सिर में लग, मेरी मम्मी को मारा, मेरी बहन को मारा, मेरी भाभी साखम को मारा, मेरे भाई को मारा। 25 जने थे कम से कम, एक शेरू योगी, एक गोपाल चौक से जो सरपंच है गांव का, पूजा गोपाल चौक से पूजा सरपंच है गांव की निनोरा की। सरपंच का काम समझाने को होता है, सरपंच ने हमको मारा। ऐसा सरपंच हमको चाहिए ही नहीं गांव में। दूसरा से बात कर रहे थे, उनके चक्कर में लड़ाई हुई, घर पे आके सारा डंडे ले आए, ईंट ले आए और सारे को मारने लगा। वो कम से कम 30-40 जने और मेरे भाई उन्हें 4 जने। मेरी माँ का जो बचाव नहीं करे तो मर जाए। हमारे को उठा उठा के फेंक दी और फिर भी मारा। तीन चार ने मारा, एक तो शेरू नाम का उनने मारा हमारे को, लेडीजन को शेरू नाम के गोपाल चौक से जो सरपंच है उनने मारा, और एक और रामा नाम का है। तीन चार जने ने हाथ उठाए, मैं तो मेहमान थी ना कभी, पर मुझे भी नहीं मारा। निनोरा से एक विवाद हो गया था, उसमें महिला वगैरह उनके साथ में आई थी, जिसको चोट लगी है उसकी कार्रवाई कर रहे हैं, FIR दर्ज कर रहे हैं। दूसरा पक्ष भी आया है सर थाने के? दूसरा पक्ष अभी थाने में नहीं आया है, जो एक पक्ष आया उसकी सुनवाई हो रही है, कार्रवाई कर रहे हैं। घटनाक्रम क्या था सर, क्यों विवाद हुआ, क्या बताया? दोनों मोहल्ले में है सर।